इन दिस वीडियो फाइल हैंडलिंग हम एक और टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो रीड लाइन वाला क्वेश्चन है। टेक्स्ट फाइल में हम रीड लाइन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है काउंट लाइन्स अंडरस्कोर ईटी नाम का एक फंक्शन है जो काउंट करेगा उन लाइन्स को जिनका पहला स्टार्टिंग करेक्टर, लाइन का पहला स्टार्टिंग करेक्टर या तो ई होना चाहिए या टी होना चाहिए। तो उसने देखो मैंने एग्जांपल में भी लिखा कि अगर रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी के अंदर ये लाइनें लिखी हुई हैं तो देखो स्टार्टिंग में एंट्री है, दूसरे वाले में ऑल्सो है, तीसरे वाले में दिस है। तो एंट्री का ई, ऑल्सो का ए, दिस का टी। तो इसमें अगर तुम देखो ई और टी ये दो ही लाइन में फर्स्ट और थर्ड में, तो जब आउटपुट आया, अब ये तीन ही लाइन का क्वेश्चन है तो हमने आउटपुट आया तो नंबर ऑफ लाइन्स ई की एक, नंबर लाइन्स ऑफ टी की एक। इस पूरे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम एफ डॉट रीड करते थे, अब आप एफ डॉट रीड नहीं करोगे जब भी लाइन का क्वेश्चन आएगा, रीड लाइंस करोगे। उससे क्या होगा, पूरा रिकॉर्ड जितने भी है वो रीड लाइन के हिसाब से एक वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। हम उसको लाइन बाय लाइन चेक करेंगे और उसकी फर्स्ट लेटर में टी और ई होना चाहिए, उसे चेक करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे हुआ। मैंने फिर से उस फंक्शन को यहाँ लिख दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है जो काउंट लाइन्स अंडरस्कोर ई टी फंक्शन है, पहले तो आप उसको एज इट इज़ लिख दो। तो हमने डेफ काउंट लाइन्स अंडरस्कोर ई टी ब्रैकेट कोलन लगा के हमने लिख दिया। फिर से वही बात है, रीड करना हमने, तो हमारी लाइन क्या बनेगी, एफ इक्वल्स टू ओपन रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी आर। ये रीड मोड में हमने फाइल को ओपन करा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें काउंटिंग करनी है। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर ई और टी के लिए दो सेपरेट वेरिएबल बनाए, एक ए बनाया और एक बी बनाया, उसे इनिशियलाइज जीरो से कर दिया। नेक्स्ट लाइन हमने लिखा डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइंस। हमने क्या लिखा, डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइंस। ये जो रीड लाइंस है ना, ये क्या करेगा, पूरे के पूरे जो वो टेक्स्ट है ना उसे रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी से लेगा और डेटा में ट्रांसफर करेगा और लिस्ट के फॉर्मेट में करेगा। याद रखो लिस्ट का फॉर्मेट बनेगा। तो जब डेटा को आप देखोगे अगर टाइप लगा करके जो एक फंक्शन होता है, तो आपको पता लगेगा डेटा एक लिस्ट है। हर लाइन एक कॉमा सेपरेटर के बाद अलग अलग हो जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, ये देखो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस जितनी लिस्ट के अंदर लाइन है इनको रीड करेंगे, और किस हिसाब से रीड करेंगे, इनको लाइन वाइज रीड करेंगे। तो हमने देखो लाइन क्या चलाई, फॉर लाइन इन डेटा। अब तुम खुद समझ जाओ जहाँ पर कॉमा है वो एक सेपरेटर है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर कॉमा आ रहा है उससे पहले का जो भी कंटेंट होगा वो आपका डेटा लाइन को देगा। ये देखो ऐसे डेटा लाइन वाइज देगा किसको, इस लाइन वेरिएबल को। ये किस टाइप का बनेगा, अगर एग्जाम में आ गया ये स्ट्रिंग टाइप बनेगा, ये स्ट्रिंग बनेगा। एक बार एक लाइन आ रही है तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट पे स्टोर होगी इस तरीके से। लाइन जो वेरिएबल बनेगा जब डेटा से लाइन एक एक लेता जाएगा लिस्ट से और वो लाइन वेरिएबल के पास आएगी, वो स्ट्रिंग टाइप में आएगी। इस तरह से डबल कोट समझ लो कि स्ट्रिंग बन गया। इसका पहला जो करेक्टर है वो कौन से नंबर में बैठा है, जीरो इंडेक्स नंबर, बस इसी का ध्यान करो। अब खुद समझ जाओ लाइन क्या बनेगी, अब लाइन क्या बनेगी, लाइन ऑफ जीरो इक्वल इक्वल्स टू टी। तो वो क्या देखेगा, जहां पर पहला करेक्टर टी होगा, दूसरा क्या बनाया हमने एलिफ, लाइन ऑफ जीरो इक्वल इक्वल्स टू ई, या तो टी या फिर ई, अलग अलग लाइन के लिए। तो ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, बी इक्वल्स टू बी प्लस वन, मतलब एक टी के लिए काम कर रहा है, एक ई के लिए काम कर रहा है। और जब सारे लाइंस रीड हो करके सारे लाइन के पास आएंगे और वो सब चेक हो जाएंगे और इनकी वैल्यूज प्लस ये जो भी होना है वो हो जाएंगी, उसके बाद हमें क्या करना है, हम इस लूप से बाहर आएंगे। तो एग्जैक्ट बिल्कुल लूप के बिल्कुल सीधे स्ट्रेट नीचे आओगे, यहाँ पर यहाँ दोनों प्रिंट लिख दोगे, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ टी, और कॉमा करके बी और ए को पास कर देना। तो जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये आउटपुट आपका डिस्प्ले होकर के आ जाएगा, जो यहाँ पर देखो ऐसे लिखा है। ये फॉर्मेट है इसका, रीड लाइन वाले क्वेश्चंस जो होंगे उन्हें ऐसे कर।